के साथ बांदा से बहुत बड़ी खबर, बांदा से बहुत बड़ी खबर, जहां पोलियो ड्रॉप पिलाने से बच्ची की मौत का आरोप, पोलियो ड्रॉप पिलाने से बच्ची की मौत का आरोप। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित किया, अस्पताल में बच्ची को मृत घोषित किया। डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई के दिए निर्देश। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से परिजनों में आक्रोश है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से परिजनों में आक्रोश है। शहर मुख्यालय के शंभू नगर इलाके का मामला, डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई के दिए निर्देश। बांदा से बहुत बड़ी खबर, बांदा से बहुत बड़ी खबर, पोलियो ड्रॉप पिलाने से बच्ची की मौत का आरोप, पोलियो ड्रॉप पिलाने से बच्ची की मौत का आरोप। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित किया, डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई के दिए हैं निर्देश। शहर मुख्यालय के शंभू नगर इलाके का यह पूरा मामला, जी हां, सवाल अहम यही है, क्या इतनी बड़ी चूक हुई है, और अगर हुई है तो इस चूक का खामियाजा जो ये परिजन भुगत रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पोलियो पीने से बच्ची की मौत, आखिर इतनी बड़ी चूक हुई है कैसे? परिजनों का सीधा सीधा ये कहना कि पोलियो ड्रॉप पीने से ही बच्ची की मौत हुई। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अतुल मिश्रा हमारे साथ। अतुल, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है, क्या सचमुच पोलियो पीने से ही बच्ची की मौत हुई है, ये परिजनों का कहना है? जी, आपसे बता दूं कि ये जो मामला है बांदा के शंभू नगर का ये मामला है। परिजन का जो कहना, परिजन ने बताया कि जो यहाँ पर पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही थी, आज यहाँ पर पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए लोग आए थे। पोलियो ड्रॉप पिलाने के बाद 2 घंटे बाद ही बच्ची की जो है हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। बच्ची की हालत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद लोग उनके प्रशासन के खिलाफ उनका आक्रोश हो जाता है, अस्पताल में हंगामा करते, सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी करते, जिसके बाद जिलाधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि इस पर जांच होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह के संवेदनशील मामलों में भी पोलियो ड्रॉप प्लान जो कि जिसके लेकर एक मिशन चलाया जा रहा है, उसमें भी इस तरह की भारी गड़बड़ी आई जिसके चलते बच्चियों की मौत होगी, तो कौन पोलियो ड्रॉप पिएगा? और अतुल, एक बात ये बताइए कि पोलियो ड्रॉप जो होता है वो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इस बच्ची को पिलाया गया होगा, क्या आसपास के बच्चों को और भी बच्चों को पिलाया गया था, क्या जानकारी मिल पाई है, या ये पहली बच्ची थी जिसको पिलाया गया, स्थिति खराब हुई, इस बारे में क्या जानकारी है? जी, आपसे बता दूं कि जब ये जैसे ये मामला सामने आता है उसके बाद तुरंत ही इसके बारे में जानकारी ली जाती है, सीएमओ से बात की कहां कहां पर पोलियो। अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपसे लगातार आगे भी बात करेंगे, और इसमें क्या कुछ कहना है डीएम का आप भी सुनिए। देखिए, मैं आपके सामने उस बच्ची को यहाँ प्रोग्राम देखने भी आया हूँ मॉर्चरी में, और इसके लिए मैं अभी एक समिति बनाऊंगा और उसकी जांच कराऊंगा, जो भी इसके लिए दोषी होगा उसे हम उसके खिलाफ जो समुचित कार्रवाई होगी की जाएगी। अभी मेरी जानकारी में तत्काल आया है, देखिए मैं आपके सामने उस बच्ची को यहाँ प्रोग्राम देखने भी आया हूँ मॉर्चरी में, और इसके लिए मैं अभी एक समिति बनाऊंगा और उसकी जांच कराऊंगा, जो भी इसके लिए दोषी होगा उसे हम उसके खिलाफ जो समुचित कार्रवाई होगी की जाएगी। तो देखिए, अतुल सहयोगी बने हुए हमारे साथ। अतुल, जो डीएम है हीरा लाल जी, उनका ये साफ कहना है कि अब जांच कमेटी बनाई जाएगी और उस पर पूरी अब बातचीत होगी, क्या लग रहा है ये जांच कमेटी बनेगी आगे, किस तरह से आगे कार्यवाही हो रही है? जी, आपसे बता दूं कि जो ये जिसके परिजन है, तो निश्चित तौर से जागरूक व्यक्ति थे जिसने तुरंत मामला इतना हाईलाइटेड हो गया, और हम लोगों को जानकारी हो गई, जिला प्रशासन की नॉलेज मांगे, क्योंकि जो बच्ची का पिता है बताया जा रहा है कि अधिवक्ता है, जिसके बाद ये मामला तोड़ पकड़ता है। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिला अस्पताल का घेराव किया, तो उसके बाद तत्काल में जिलाधिकारी को इनके मौके पर पहुंचना पड़ा था, और तत्काल वहीं पर जो पीएम के लिए उसके लिए टीम गठित की थी, 2 डॉक्टरों का पैनल गया है, उसके तहत पीएम किया गया है, उसके बाद जिलाधिकारी ने जांच बैठा दी है और उसके बाद कार्रवाई के लिए किया, तभी जो परिजन है वो शांत हुए थे और पीएम का नाम लेने के लिए तैयार हुए थे। अतुल, ये बताइए कि ये जो बच्ची जिसकी की मौत हो गई है, जैसा कि कहा जा रहा है पोलियो पीने से, क्या इस बच्ची को पहले कोई बीमारी थी, ऐसा कुछ बताया है परिजनों ने, किसी तरह से आगे कोई बात थी ऐसी जो कि पहले से मौजूद थी और पोलियो पीने की वजह से मतलब ये मौत हुई, इस बारे में क्या कहना है परिजनों का? जी, परिजनों को कहना है कि बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ थी, हो चुकी थी 9वें माह की चल रही थी, उसके बाद बिल्कुल फिर स्वस्थ थी, जैसे दवा पिलाने के 2 घंटे बाद ही उसकी एकदम से तबियत बिगड़ी है और उसकी मौत हो गई है। इसी को लेकर के परिजनों में काफी आक्रोश देखने को मिला है, जिसके चलते ये जिलाधिकारी को कार्रवाई करनी पड़ी। अतुल, तो जिन लोगों ने ये पोलियो ड्रॉप जो टीम थी जिन्होंने पिलाई है, क्या वो लोग मौजूद है, उनसे बात हो पाई कुछ?
नहीं जी, आपसे बता दूं कि जो जैसे ही ये मामला टूटा उसके बाद उन लोगों से कोई जानकारी नहीं है, उन लोगों का नाम भी नहीं बताया जा रहा है। हालांकि जो जिला प्रशासन का कहना है कि सभी की सभी जितने जो जिनकी ड्यूटी लगी है उनके सभी की जांच कराई जाएगी, उनकी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जांच के बाद जो भी सामने आएगा, जो लोग गए हैं दवा में क्या कमी, उस पर जो भी चीज सामने आएगी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अतुल, तो आसपास के लोगों का क्या कहना है, क्या उन्होंने भी अपने बच्चे को पिलाया था ये पोलियो ड्रॉप, या ये पहली बच्ची थी, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था? हेलो जी अतुल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, अतुल, जैसा कि बात है ये कि इस बच्ची की मौत हुई है पोलियो पीने से, तो क्या अतुल, क्या आसपास के किसी और बच्चे को भी ये पोलियो ड्रॉप पिलाई गई थी? जी, अब मैं आपसे बता दूं कि चूंकि परिजनों से बात हो पाई, परिजनों के बाद अभी भी अभी तक ये जानकारी नहीं मिल रही है कि कौन लोग पोलियो ड्रॉप पिलाने गए थे और कहां कहां पर पिलाया गया है। लेकिन अब जो लिस्ट है जहां जहां गए थे, जिनके दरवाजे में जो नोट बनाया जाता है उसके किया जा रहा है, प्रशासन के साथ जाकर के उन लोगों से भी मिला जा रहा है। लेकिन ये जो मामला ये बताते कि बच्ची क्योंकि छोटी थी इसके लिए क्या उसके वजह से नुकसान की ये क्या है, लेकिन बच्चों को तो निश्चित तौर पर मोहल्ले में कई गाँव में पिलाया गया। लेकिन बहुत धन्यवाद अतुल इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, सवाल अहम यही है, आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे है? अगर पोलियो पीने से इस बच्ची की मौत हुई और अगर इसकी पुष्टि होती है, तो निश्चित तौर पर ऐसी जो योजना चलती है उस पर कैसे बिलीव कर पाएगी देश की जनता? बड़ा सवाल यही है।